अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवेज़ इकबाल है और मेरा तल्लुक गम ट्री रियल स्टेट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से है। आज की जी कंप्लीट वीडियो रूडन इनक्लेव एग्जेक्टिव ब्लॉक के हवाले से है और इस टाइम मैं रूडन इनक्लेव एग्जेक्टिव ब्लॉक की साइट के ऊपर मौजूद हूँ। आज आपको साइट विजिट करवाएंगे, एक तो फिजिकली किस एरिया के अंदर डिवेलपमेंट का काम हो रहा है और जो सोसाइटी ने रिसेंटली ओवरसी एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर विलाज की लोकेशन रिवील की है और जो कंपनी के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ है वो एग्जैक्ट इस जगह पे सोसाइटी विला शुरू करने लगी है। इस हवाले से कंप्लीट वीडियो है। मजीद वीडियो की तरफ जाने से पहले तमाम नए मेहमान से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप हमारा फेसबुक पेज देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपको बर वक्त मिलती रहे। और स्पेशली शुक्रिया उन मेहमान का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और वीडियो को वॉच करते हैं। रूडन इनक्लेव जी फर्स्ट बैलेटिंग सेकंड बैलेटिंग कंडक्ट हो चुकी है। वो मेम्बरान जिन्होंने फर्स्ट बैलेटिंग और सेकंड बैलेटिंग में क्वालिफाई किया है उनको सोसाइटी जी पोजेशन ऑफर करने जा रही है और जो भी मेंबर अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर कर लेंगे आने वाले अगले एक महीने डेढ़ महीने के अंदर तो सोसाइटी उन मेम्बरान को प्रायोरिटीज़ के ऊपर पोजेशन ऑफर करेगी। मेरे बैक साइड पर जो एग्जैक्ट काम हो रहा है वो 7 मरला की जो कटिंग है, 7 मरला रेजिडेंशियल प्लाट्स के ऊपर काम का प्रॉपर काम हो रहा है और इसी तरह बैक साइड पे आपके जो 4 मरला और 8 मरला की कमर्शियल हैं उनके ऊपर भी स्ट्रीट कटिंग हो चुकी है। और इसी तरह जी इस तरफ अगर आपको दिखाएं तो जो मेन बुलेवार्ड है, मेन बुलेवार्ड के ऊपर जो 14 मरला के प्लॉट हैं फ्रंट बैक उनकी कटिंग हो चुकी है। इसके बैक साइड पे आपको जो एरिया है वो आपका 7 मरले का है। तो ये बेसिकली जो रूडन इनक्लेव के एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेम्बर हैं जिन्होंने फर्स्ट बैलेटिंग या सेकेंड बैलेटिंग में क्वालिफाई किया है, सोसाइटी उनको तरफ जी बार बार ये कह रही है कि अपनी पेमेंट्स कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर कर लें ताकि आप फर्स्ट जो फेज़ ऑफ पोजेशन है उसके अंदर शामिल हो सकें। आपको वो एरिया भी नज़र आ रहा होगा ड्रोन के अंदर जिस एरिया के अंदर एग्जैक्ट सोसाइटी ने अभी एक कंपनी के साथ MOU साइन किया है जिसके अंदर सोसाइटी के अंदर जो 7 मरला के डिज़ाइनर विलाज हैं वो सोसाइटी के अंदर बनने जा रहे हैं। बेसिकली बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस टाइम क्लेम कर रहे हैं कि जी सोसाइटी की डेवलपमेंट इतनी नहीं है जितनी सोसाइटी ने बुकिंग की है। तो मेरे ख्याल से इस टाइम सोसाइटी के अंदर जो पोजेशन वाले लोग हैं वो मेरे ख्याल से 300 से 400 से ज़्यादा नहीं है। इस टाइम सोसाइटी के पास जो पोजेशन वाले प्लॉट्स रेडी होने जा रहे हैं अगले 3 से 4 महीने के अंदर वो मैक्सिमम आपके 500+ आपके प्लॉट हैं। तो जो इस टाइम डिज़ाइनर हाउस सोसाइटी लॉन्च करने जा रही है जैसे इसके पेमेंट्स प्लान या पेमेंट प्लान वगैरह आते हैं, इसका स्केड्यूल आता है तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इस टाइम जी एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर वो मेम्बरान जिन्होंने फर्स्ट बैलेटिंग सेकंड बैलेटिंग में क्वालिफाई नहीं किया, थर्ड बैलेटिंग में क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सोसाइटी ने जो क्राइटेरिया रखा है वो 85% क्राइटेरिया है। अगर कोई मेंबर थर्ड बैलेटिंग में हिस्सा बनना चाह रहा है तो 85% पेमेंट क्लियर करके थर्ड बैलेटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। और इसी तरह जी वो मेम्बर जिन्होंने फर्स्ट बैलेटिंग और सेकेंड बैलेटिंग में क्वालिफाई किया है अगर वो पोजेशन का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो अपनी रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर कर लें ताकि सोसाइटी जैसे पोजेशन ऑफर करें और आप उस फेज़ ऑफ पोजेशन के अंदर शामिल हो सकें। बाकी जी डेवलपमेंट का काम इस टाइम एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर उन पैचेस के ऊपर हो रहा है जिनके अंदर अभी स्ट्रीट कटिंग का थोड़ा बहुत काम रहता है उसके ऊपर। बाकी जी इस टाइम अगर आप सोसाइटी के अंदर फ्रेश बुकिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं तो ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर बुकिंग करवा सकते हैं या इस टाइम रूडन इनक्लेव एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर जो सोसाइटी पोजेशन ऑफर करने जा रही है वहाँ पर रीसेल में प्लॉट बाय कर सकते हैं। अगर जी आप एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेम्बर हैं और आपका बैलेटेड प्लॉट है उसको सेल करना चाह रहे हैं या डिस्काउंट लेके पोजेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है रिगार्डिंग रूडन इनक्लेव एंड डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।